हेलो दोस्तों, मेरी YouTube चैनल मुसाफिर में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित आगरा शहर के बारे में सब जानकारी देने वाली हूँ। तो अगर आप नेक्स्ट हॉलीडेज के लिए आगरा जाने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे आप आगरा तक कैसे पहुँच सकते हो, यहाँ स्टे कहाँ करें, यहाँ खाने पीने की क्या सुविधाएं हैं, यहाँ कौन कौन सी जगह पर आप घूमने जा सकते हो, आगरा जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, आगरा टूर में कितने दिनों का प्लान बनाएं, और वीडियो के अंत में हम बात करेंगे कि आगरा टूर का एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आगरा उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी के तट पर बसा एक शहर है। यह अपने ताजमहल के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हर साल लाखों की संख्या में देश विदेश से टूरिस्ट इस जगह को एक्सप्लोर करने आते हैं। ये शहर अपने ताजमहल, गार्डन्स, किले, मंदिर और यहाँ की संस्कृति के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अब हम बात करेंगे आप आगरा तक कैसे पहुँच सकते हो। दोस्तों, आगरा तक पहुँचने के लिए आप बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट या बस के माध्यम से बड़ी आसानी से पहुँच सकते हो। अगर आप ट्रेन की मदद से आगरा आना चाहते हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आगरा शहर में दो रेलवे स्टेशन बने हुए हैं, आगरा कैंट और आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन। देश के सभी छोटे बड़े शहर से आपको आगरा शहर के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से ताजमहल की दूरी 6 किलोमीटर और आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन से ताजमहल की दूरी 3 किलोमीटर पर है। अगर आप फ्लाइट के माध्यम से आगरा आना चाहते हो तो आगरा शहर में एयरपोर्ट भी बना हुआ है। यहाँ से ताजमहल की दूरी तकरीबन 8 किलोमीटर है। अगर आप आसपास के शहर से बस के माध्यम से आगरा आना चाहते हो तो बड़ी आसानी से यहाँ पहुँच सकते हो, क्योंकि यहाँ 3 बस स्टैंड बने हुए हैं और आसपास के सिटी से आपको आगरा सिटी के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे कि आप आगरा शहर में स्टे कहाँ करें। दोस्तों, आगरा में बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं। अगर आप रेलवे स्टेशन के पास स्टे करते हो तो 500 से लेकर 1000 रुपए में आपको रूम मिल जाएगा। अगर आप ताजमहल के पास बने होटल्स में रुकते हो तो ये होटल के चार्जेस ज्यादा रहेंगे, यानी कि तकरीबन 2000 रुपए में आपको यहाँ पर रूम मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे आगरा शहर में खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं हैं। दोस्तों, आगरा शहर में आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, आगरा शहर के पेठे बहुत ही फेमस है। अगर आप आगरा आते हो तो यहाँ के पेठे जरूर ट्राई करें। अब हम बात करेंगे कि आप आगरा शहर में कौन कौन सी जगह पर घूमने जा सकते हो। हमारे लिस्ट में पहले स्थान पर है फतेहपुर सिकरी। आगरा से 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है फतेहपुर सिकरी। आगरा के रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको फतेहपुर सिकरी के लिए डायरेक्ट ऑटो टैक्सी मिल जाएगी। टैक्सी का चार्ज तकरीबन 2000 रुपए और ऑटो का चार्ज तकरीबन 800 रुपए है। टैक्सी या ऑटो वाले आपको फतेहपुर सिकरी में किले के पार्किंग में ड्रॉप कर देंगे। वहां से 2 किलोमीटर की चढ़ाई करके आपको किले तक पहुंचना है। आप चाहे तो बस के माध्यम से किले तक पहुंच सकते हो। सबसे पहले आएगा बुलंद दरवाजा, इसकी भव्यता आपको दंग कर देगी। यहाँ पर महान सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी बनी हुई है। इसकी वास्तुकला बेजोड़ है। अब हम किला विजिट करेंगे, जिसकी एंट्री टिकट 50 रुपए है। आप चाहे तो यहाँ गाइड भी रख सकते हो, जिसका चार्ज तकरीबन 200 से 500 रुपए तक का होता है। किले के परिसर में मौजूद है जोधाबाई महल। यहाँ पर जोधाबाई सभी देवी देवता की पूजा आराधना किया करते थे। आप यहाँ पर दीवाने खास, पंचमहल, अनूप तालाब जैसी इमारतें देख सकते हो। ये किला बहुत ही सुंदर है। पूरा किला एक्सप्लोर करने में आपको 3 से 4 घंटा लगेगा। हमारे लिस्ट में दूसरे स्थान पर है ताजमहल। पूरी तरह से सफेद संगमरमर से निर्मित ताजमहल दुनिया में मौजूद 7 अजूबों में से एक है, जो मुगल काल से यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। ताजमहल शाहजहां द्वारा बनवाया गया एक शानदार वास्तुशिल्प है और प्रेम का प्रतीक है, जिसमें शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज महल का मकबरा है। ताजमहल की लुभावनी सुंदरता, जटिल डिजाइन और त्रुटिहीन शिल्प कौशल इसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाती है। ताजमहल आपको समय और संस्कृति के बीच की यात्रा पर ले जाता है। ताजमहल की एंट्री टिकट 50 रुपए है। चाहे आप इतिहास के शौकीन हो या कला और वास्तुकला के प्रेमी,
ताजमहल आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। आसपास के बगीचे और पानी के चैनल इसे और भी शानदार बनाते हैं। पूरा ताजमहल देखने में आपको 3 से 4 घंटे लगेगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉरेनर्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर ताजमहल के इतिहास की बात करूं, तो मुगल शासक शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में सफेद संगमरमर के पत्थर से ताजमहल को बनवाया था। 1632 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ और आपको जानकर हैरानी होगी, 20 साल के बाद पूरा ताजमहल बनकर तैयार हुआ, जो 42 एकड़ में फैला हुआ है, और इसे बनाने में 20,000 से ज्यादा कारीगरों का योगदान था। और 1983 में यूनेस्को द्वारा ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस में स्थान मिला। तो दोस्तों, अगर आप आगरा आते हो तो यहाँ पर ताजमहल जरूर विजिट करें। हमारे लिस्ट में तीसरे स्थान पर है आगरा का लाल किला। ताजमहल से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आगरा का लाल किला। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस किले को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थान मिला है। पहले के समय के फेमस राजा जहांगीर, हुमायूं, अकबर सभी इस किले में रह चुके हैं। किले के चारों ओर गहरी खाई है। लाल किले की एंट्री टिकट 50 रुपए है और सामान वगैरह आप फ्री में क्लॉक रूम में रख सकते हो। दोस्तों, मेन गेट से अंदर जाते ही आपको बड़ा गलियारा दिखेगा, उसे पार करके आप प्रमुख परिसर में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर आप देखेंगे दीवाने आम, जहाँ राजा आम जनता की फरियाद सुनता था। फिर आप देख सकते हो अंगूरी बाग। हालांकि पूरा किला लाल पत्थर से बना हुआ है, पर यह अंगूरी बाग सफेद संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। यहाँ से आप ताजमहल का अद्भुत नजारा देख सकते हो। लाल किले में बहुत सारे महल और गार्डन बने हुए हैं। पूरा लाल किला एक्सप्लोर करने में आपको 3 से 4 घंटे का टाइम लगेगा। इसके अलावा आप चाहे तो इदमत उद डोला, महताब बाग, खास महल, अकबर टोम, मरियम टोम, राम बाग जैसे फेमस प्लेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। अब बात करेंगे आगरा आने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। दोस्तों, आप साल में कभी भी आगरा आ सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा समय अक्टूबर से जून के बीच का है। अब बात करेंगे आगरा टूर में कितने दिनों का प्लान बनाएं। दोस्तों, पूरा आगरा घूमने में 2 दिन पर्याप्त है। अब बात करेंगे आगरा टूर में एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना होगा। दोस्तों, अगर आप सुबह आगरा पहुंचकर पूरे दिन घूमकर रात को वापसी कर लेते हो, तो एक व्यक्ति का कुल खर्चा तकरीबन 2,000 रुपए होगा। इसमें आपका ट्रेन का स्लीपर क्लास का किराया और ऑटो रेंट इंक्लूड है। अगर आप 2 दिन का प्लान करते हो तो एक व्यक्ति का कुल खर्चा तकरीबन 3,000 होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ये आगरा का वर्चुअल टूर कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर लिखें, और आगरा रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में जरूर लिखें, आपको तुरंत जवाब दिया जाएगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को एंजॉय करने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।